Hey, hi guys, this is Amar Shenoy. Welcome to my vlog channel, and this is going to be my first travel vlog. And as I'm visiting to Karnataka, and it's a 3 days visit to Karnataka, and I'm going to Karnataka for a puja purpose. So we have a reservation in a Matsyagandha Express by around 3:45 p.m. So in some time, I'm going to leave from home. Hope you enjoyed the vlog. See you guys. This is veg pulao made by mummy. इतना मस्त स्मेल आ रहा है, अभी भूख लग रहा है मम्मी मेरे को. सी हर जो है काजू काजू मेरे को इसमें किसने काजू भी डाला है और क्या डाला है मम्मी? मनुका डाला है. और बस नाउ वी टुक अ कैब टू थाने स्टेशन एंड वी विल बी रीचिंग इन थाने. Saying bye bye to my train as I reach Udupi station now. This is Udupi station and we are walking out here. Good morning everyone, picking up the luggage and hi Amma, good morning. Bye bye to the train. Matsyagandha Express ko bye bye. So my brother is coming to receive us. So guys, right now I am in Kapu city of Udupi. Okay, it's in Karnataka at my cousin place. This is his house. You can see, you can have a look at their house. It's an amazing, bahut hi acha ghar hai. Ye unki gaadi hai, Swifter. और
यह आज का प्लान तो बस यहाँ पे घूमना फिरना है। लेट्स सी हाउ इट गोज। क्या करने वाला हूँ मेरे को खुद नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ। प्लानिंग टू मीट वन ऑफ माई स्कूल डेज फ्रेंड्स हियर, इफ इट्स पॉसिबल। इफ शी कम्स देन इट्स पॉसिबल फॉर मी टू मीट हर। लाइक ऑलमोस्ट 13-14 साल के बाद हम लोग एक दूसरे को मिलेंगे। स्कूल टाइम्स में हम लोग साथ में थे। सो गाइज, वी हैव डिसाइडेड नाउ टू गो टू अ बीच। इट्स अ लोकल बीच हियर, कापू बीच। सो आई एम विजिटिंग देयर नाउ विद माई पेरेंट्स। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, चलो। सो वी आर गोइंग इन अ कार ऑफ माई ब्रदर। बाय। हम लोग अभी कापू बीच पे आए ना। क्या नाम है बीच का? कापू बीच। कापू कनाडा में लिखा है हमें। नॉनवेज वाला खुशबू आ रहा है। Some kind of murals made on these walls. Wow. Sorry. Wall art. You can see all wall art here on this wall. बहुत सही बनाया है। क्या बनाया है समझ में तो नहीं आ रहा क्या बनाया, बट मेरा कोई तो लैंग्वेज में कुछ तो भी लिखा है बनाया। Being here. Welcome to Cow Beach. It's written welcome to Kapu Beach or Cow Beach. It is written as Cow, but it is pronounced as Kapu. I don't know why. Big beach, not good for swimming. Not good for swimming. Deep beach है, not good for swimming. जैसे कि हम लोग swim करने को तो जाने वाले हैं नहीं। थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करेंगे। वहाँ पे एक लाइट हाउस है। Sorry to you. Wait, guys. ये घर के पीछे। See, there is the lighthouse. Can you see that? That is the light. Mummy ka chappal satak raha hai bolti. Hawa chal rahi hai. So please forgive us if you can't hear us properly. The sand. This beach. चलने नहीं हो रहा इसमें। इन लोग के लिए डेंजरस नहीं है क्या?
टाइम है टू डू सम फोटोग्राफी, अभी कुछ फोटोग्राफी करता हूँ एंड कुछ फ़ोटोज़ मैं अभी आपको क्लिक करूँगा, वो इस फ्रेम के बाद में डालूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत मैंने फोटोग्राफी बीच पे किया। आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, मेरे पास DSLR है, सो मैं उससे उसकी मदद से फोटोग्राफर बन रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अपने, अरे मम्मी गिर मत, पापा डरा मत तू मेरे को, होप सो आई विल हैव सम गुड पिक्स फॉर यू। सो हियर आर द फोटोग्राफ्स। कैसा लग रहा था तेरे को ये बीच? नाइस। सेल्फी हम लोग इसमें से बाद में स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। दिस इज माय ब्लॉगिंग कैमरा एंड डैड इज टेकिंग माय फोटो, आई विल शो यू दिस पिक एज वेल वंस इट इज डन। So finally we are saying bye to Kapu Beach and now where we are heading? हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी मम्मी? कापू बस स्टैंड। वहाँ पे क्या है? होटल शेनॉय होटल में जा रहे हैं। यू नो शेनॉय होटल, शेनॉय रेस्टोरेंट, भजी खाने को। वहाँ का भजी बहुत स्पेशल है यार, भजिया खाने के लिए। अगर आप कभी कापू में आते हो तो शेनॉय फ्रूट जूस एंड रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। ये हम लोग यहाँ पे लोकल ऑटो में बैठे हैं। मेरे जो कज़िन है उनके डैड का आज बर्थडे है, सो वी आर प्लानिंग गिव हिम अ सरप्राइज। तो हम लोग ने जस्ट एक केक खरीदा फॉर हिम नाउ, सो वी आर गोइंग टू गिव हिम अ सरप्राइज सेलिब्रेशन। लेट्स सी हाउ इट गोस। दिस इज शेनॉय फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट का ओनर, ओनर एंड को ओनर अश्वास शेनॉय। उनके रेस्टोरेंट में क्या क्या है? ये मिर्ची भजी है, ये क्या है मम्मी, क्या पिला रहे हो? बस नींबू सोडा, नींबू सोडा पिला रहे हैं। This is Shenoy restaurant and juice center and he is the owner of the restaurant. He is my cousin brother. आपके शॉप का स्पेशलिटी क्या है, क्या मिलता है स्पेशल ऐसे? कुछ भी मिलता है, आमलेट मिलता है, आमलेट मिलता है, और गोभी मिलता है। गोभी, गोभी सिर्फ गोभी या गोभी का कुछ स्पेशल आइटम? गोभी मंचूरियन, गोभी चिली। ओके,
मसाला डोसा। मसाला डोसा और ऑनियन डोसा। ऑनियन डोसा, क्या बात है। यस मॉम, तू पहले ये लिंबू सोडा कॉकटेल भी खाना। चीयर्स। असल कर मजा कर। कुछ बोलने का है? बोलो। बोलने का क्या है? अरे बोलने का, वीडियो शूटिंग निकल रहा है ना, बोलो। ओके, बंद है, चालू है ना? अरे वो चालू है, चालू है। फिर बोलो कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है। और कुछ बोलने का है? क्या बोलने का, बम्बई में, बम्बई जाने का है। आने का है बम्बई में? वो आएगा। हाँ बोलो। और वो भी तो आएगा। अच्छा with the birthday celebration. Tomorrow we are going to Basrur for a puja purpose. So see you tomorrow guys. Bye bye. So we have reached our destination for today, the puja location. We are done with the puja now, and here is my sister Suchitra Anka. So abhi yahan se hum log ghar pe jayenge. Kahan pe jayenge? Ghar pe jayenge. Aur aap kya karne wale ho? Kya plan hai aapka? Kuch nahi, jaake sona. Sone ka bas. Directly see how people are looking us, like sab log humko dekh rahe hain. Sab log hi bolo please. Achhi hi 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 everyone. I'm gonna show you something guys, it's a beautiful river named as Hattangadi river. Hattangadi river, yeah. So it's just opposite to me, here it goes, check it out. Wow, this is Hattangadi river. I'll show you one more entrance of that river. Let's go there. Going to show you the entrance for Hattangadi river. Oh, yahan pe bus khadi hai yaar. See, and wow, isn't it just wow? Guys, the thing is, maximum people, almost everyone speaks here in Kannada, and that's the way difficult for me to handle them.
सो मैं अपना लोकेशन तुरंत चेंज कर लेता हूँ, बोर हो जाता हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि सब लोग कनाडा में बात करते हैं यार, मैं क्या करूँ। और कैमरा पकड़ के चल रहा हो तो ऑब्वियसली मेरे को पूछते हैं कि भाई तू किससे बात कर रहा है, और मेरे को झक मार के बोलना पड़ता है कि दुनिया से बात कर रहा हूँ। आई एम गोना अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं ये सब अपलोड करता हूँ। और अभी मैं चल चल के पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बट जा रहा हूँ, लेट्स सी कुछ अच्छा मिलता है तो एक्सप्लोरिंग। सो गाइस, अभी पूजा वीजा ख़त्म करके हम लोग अभी, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, और फिर एज आई टोल्ड माई फ्रेंड सुप्रिया इज़ कमिंग टू मीट मी, सो उसको मिलूँगा अभी थोड़ी देर में, शी इज़ ऑन द वे, शी इज़ कमिंग टू माई प्लेस, माई नेटिव प्लेस, एंड देन वी विल मीट ईच अदर एंड आई विल इंट्रोड्यूस हर टू माई फैमिली, टू यू गाइज, एंड देन वे बैक टू होम इन इवनिंग ट्रेन। 9 o'clock का हम लोग का गाड़ी है, सो आई गो बैक होम फ्रॉम द ट्रेन, सो लेट्स वेट फॉर हर टू कम। एंड लुक हु इज हियर, हाय, हाथ तो दिखा इतने साल। ये मेरी फ्रेंड है बचपन की, सुप्रिया, एंड वी मेट फाइनली, और अभी हम लोग आफ्टर अ लॉन्ग, नहीं सुपर लॉन्ग टाइम, सुपर लॉन्ग 13 years, यार बच्चे थे हम लोग तभी मिले थे, तभी थे साथ में, स्कूल ट्यूशन में जाते थे, पढ़ते थे। आ रही है ना, कर अंदर, अच्छा देखिए। सो नाउ आई एम टेकिंग हर टू माय फैमिली, सो राइट नाउ मी एंड सुप्रिया आर गोइंग एट अ होम, कहाँ पे इधर है, कटपाड़ी गुड़ती में ही है ना, ज़्यादा गर्मी है, सो इट्स बेटर टू हैव अ शेटिंग एयर इन एन ऑटो रिक्शा। दिस इज अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज नाउ।